चाचा जी चाय बना दो, तीन चाय। इसके लिए नहीं मंगवाया आपने? इसके लिए क्यों मंगवाए? ये कौन सी हमें पिलाता है? इसके पास पैसे है कभी? अस्सलामुअलैकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम। मुझे 100 रुपए उधार चाहिए थे, मेरे घर मेहमान आ गए हैं, थोड़ी मजबूरी थी। चल चल, नहीं है मेरे पास, मैं नहीं देता। कमाते कुछ नहीं हो, काम कुछ नहीं करते, मुझे कहाँ से वापस करोगे? नहीं है, चलो मेरे। चार महीने बाद यार इसको देखो, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? कल तो इसे कोई चाय नहीं पिलाता था, तो क्या आ रहा है? इसे पूछ लेते हैं। भाईजान क्या हाल है, ठीक हो? वालेकुम सलाम। आओ आओ इधर बैठो, बैठ जाओ भाईजान। ये गाड़ी इतना पैसा फिर आपके पास कहाँ से आ गया है? आपके पास तो चाय पीने के पैसे नहीं होते थे। ओ भाई ये लंबी कहानी है। क्या लंबी कहानी है, हमें भी तो कोई बताओ। ये क्या है, जाके देखता हूँ। अरे ये तो कद्दू है, चलो ले लेता हूँ, किसी न किसी काम आ जाएंगे। कद्दू, चलो चलते हैं ऐसे कद्दू लेना। बेचने हैं भाई जान कद्दू? ये बिकते भी हैं। लेने हैं आपने? जी लेने हैं। कितने के दोगे ये? मुझे क्या पता ये कितने के होंगे, क्या बोलो इनको। चलो पूछता हूँ इनसे, ये कितने देते हैं? कितने पैसे दोगे तुम बताओ? 300 देंगे इनके। 300? चलो दो, 300 दो मुझे, दो 300 दो और ले जाओ। ये लो 300, मुझे दे दो कद्दू। पूरे है ना 300? पूरे है ना? पूरे हैं, ले जाओ। ये लो। हाँ हाँ, लूट लिया हमने इसको। 150, 200, 250, 300। 300 के आपने कद्दू बेचे और इतना सारी ये गाड़ी, इतना पैसा, ये कहाँ से आया है सारा कुछ? ओ भाई आगे तो सुनो। जी जी सुनाओ। अभी खत्म नहीं हुई है। सुनाओ सुनाओ। ये क्या, ये तो सारे कद्दू हैं। कद्दू तो बड़े महंगे बिक रहे थे, आज मैं लेता हूँ ये सारे कद्दू, मेरे तो मजे बन जाएंगे। अभी 2 कद्दू 300 के बेच के आया था, ये तो काफी सारे हैं, आज तो मेरे बहुत ज्यादा पैसे बनने वाले हैं। वाह जी वाह, बहुत सारे कद्दू मिल गए, कोई देख तो नहीं रहा मुझे। किसके हैं पता नहीं ये कद्दू? इसमें क्या, इसमें भी कद्दू है। चलो सारे ले जाता हूँ, ले लेता हूँ, ये भी ठीक है, बिक जाएंगे। हाँ ये गोल वाले भी बिकते हैं, मुझे पता है बाजार में। यहाँ तो नहीं रहा, यहाँ अभी कोई नहीं आ रहा, सारे ले लेता हूँ जल्दी जल्दी। ये क्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो? तुम्हें पता है कद्दू कितना महंगा है? अभी पुलिस को कॉल करता हूँ, तुम्हें ले जाएगी। आप ये ना समझे मैं चोरी करने आया हूँ, मेरी मजबूरी है, आप मेरी मजबूरी को समझे। बंदा तो मुझे एक अच्छे घर का लगता है, क्यों ना इसे मैं अपने पास ही रख लूं यहाँ काम पे। मुझे भी एक बंदे की जरूरत है, चलिए इसे काम पे रख लेता हूँ, यहाँ काम भी करेगा, इसे मजदूरी दूंगा। चले कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ गया हूँ, मैं तुम्हें अपने पास यहाँ पे काम पे रख रहा हूँ। अच्छा हाँ, तुम्हें मजदूरी दूंगा, इधर काम करना है तो अपने पानी वगैरह लगाना है,
इनकी देखभाल करनी है कद्दू की, ठीक है? ठीक है, काम पे लग। अल्लाह आपको खुश रखे। चलो मैं ये डाल दूं इसमें? हाँ ये इसमें डाल दो। चलो इसमें डाल देता हूँ मैं। जनाब मुझे एक महीना हो गया है आपके पास काम करते हुए। महीना हो गया तुम्हें? जी जी, काम करते हुए महीना हो गया। मैंने अच्छे से देखभाल की है सारे काम की। अच्छा, आप तो जानते हैं ना। जी जी, पहले से ज्यादा कद्दू लग रहे हैं और आप माशाल्लाह अमीर भी हो रहे हैं, रेट भी बढ़ गया है कद्दू का माशाल्लाह। मसला ये था कि कोई पैसे वगैरह दे देते तो घर का अच्छा सिस्टम चल जाता ना। खर्चा चाहिए? खर्चा दे रहे, कोई महीना हो गया बंदा तनख्वाह दे देता है। चलो खर्चा देता हूँ मैं तुम्हें। ये लो खर्चा, ये तुम्हारी सैलरी है, तनख्वाह 500। जी, पूरा महीना काम किया जनाब। कोई बात नहीं है, ये काफी है जनाब। आपके कद्दू तो बड़े महंगे बिक रहे हैं, बस गुजारा कर लो। नहीं, ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने पूरा महीना इसके साथ काम किया है, इसने मुझे 500 पकड़ा दिया। इसके साथ कोई ना कोई गेम करनी पड़ेगी, शराफत का जमाना नहीं है आज। मैंने पूरी ईमानदारी से इसका काम किया, देखभाल की, कद्दू इतने महंगे हो गए फिर भी इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, 500 पकड़ा के। चलो कोई ना कोई गेम करता हूँ इसके साथ, ये जैसे कहीं बाहर जाएगा फिर देखें क्या करता हूँ मैं इसके साथ। कैसे आना हुआ जनाब? कद्दू लेने थे हमने। अच्छा, कद्दू लेने हैं जी? ये आपके हैं सारी फसल? हाँ, ये सारा मेरा है, उधर वो आगे वाले भी मेरे हैं। माशाल्लाह। किधर से आए आप? हम मुल्तान से आए हैं। अच्छा, यो बेचोगे ये आप? कितने लेने हैं बताएं ना, कितने कद्दू लेने हैं? जितने हैं आपके पास हमें दे दो, सारे लेंगे। अरे हम मंडी पे काम करते हैं, बेचेंगे वहाँ पे, हमारा कारोबार है बहुत बड़ा। पता है ये सारे कितने के हैं? तुम बताओ कितने के हैं, हम कोई आम बंदे हैं? कितने के बेचूं ये सारे हैं तो बहुत महंगे कद्दू आजकल, लगता है इनके पास भी बहुत पैसा होगा। चलो बोलता हूँ इनको, देखते हैं कितना रेट देते हैं, सारे बेच के निकल जाता हूँ आज। हाँ तो कितने दोगे सारे लेने के लिए, कितने पैसे दोगे आप बताओ, अपनी कीमत कितना लोगे आप? भाई मैं तो इसके 50 लाख रुपए लूंगा पूरी फसल के। 50 लाख? ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, कम करो कुछ। भाई लेने हैं तो लो, नहीं तो जाओ, कद्दू आजकल बहुत महंगा बिक रहा है। यहाँ से 10-10 लाख के तो डेली निकलते हैं कद्दू, ये बहुत ज्यादा रकबा है हमारा, ये कद्दू फैले हुए हैं पूरे। चलो हम मशवरा कर ले आपस में, बताते हैं। हाँ मशवरा आप कर लो, जब तक मैं इधर कोई काम देख लेता हूँ। यार ये ना, ये कद्दू बहुत महंगे हैं आजकल, ये अगर हमें 60 लाख के भी देता ना फिर भी मैं खरीद लेता, क्योंकि आजकल मार्केट में कद्दू की वैल्यू बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं इसे रियायत करवाने की, उम्मीद है 40 लाख में सौदा हो जाएगा हमारा। चलो ले लेता हूँ। 60 लाख भी मैंने बहुत ज्यादा मांग लिया, अब 30 में भी लेते हैं ना फिर भी इनको दे दूंगा, मेरी भी जान छूटेगी इस काम से और पैसा भी आ जाएगा। तो क्या तलाब है आपके भाई? यार कुछ तो रियायत करो, हम ना आपको 40 लाख देंगे पूरा। 40 लाख? 40 लाख है कम। चलो ये बहुत बड़ी रकम है भाई। चलो ठीक है ठीक है, आप मुझे पैसे दे दो। हाँ ठीक है। हाँ फिर ये सारे आपके। बहरहाल ये है कि जमीन मेरी नहीं ले जानी आपने, सिर्फ कद्दू ले जाओ बस। जब ये कद्दू की फसल खत्म हो जाएगी ना, मौसम खत्म हो जाएगा, हम आपकी ये जमीन खाली कर। बस सही है, जल्दी से जल्दी ये कद्दू अपने ले जाओ और मेरे पैसे दो। पैसे किधर है? अपना अकाउंट नंबर दो मुझे, मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। हाँ मैंने, मुझे बताओ नंबर। अकाउंट मेरा है बना हुआ, मिजान का बना हुआ है। मुझे बताओ, मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। लिखो। अच्छा जी बताओ। नाम मेरा शुएब है और लिखो 95 जी 0 01 02 जी ठीक है, हो गया। 40 लाख? हाँ 40 लाख भेजो। कितना टाइम बाद आएंगे?
ये अभी मैसेज आ जाएगा आपके पास। जल्दी भेजो, मुझे देर हो रही है। ये हो गए ट्रांसफर, हो गए, बस हो गए, चेक करो आपके पास आ गए। अरे वाह, ये तो आप ही गए। बस ठीक है, अब जाएं। आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं? अब ये फसल हमारी है। अच्छा, हाँ जाएं आप, जल्दी जल्दी बारह लिए आपने ले जाओ आप। ठीक है, अब इनका मौसम खत्म होगा, हम खुद ब खुद खाली कर। बस सही है, सही है, जल्दी जल्दी ले जाओ आप। मजे, ऐसे चूना लगाया आपने मालिक को, इनको भी चूना उसको भी चूना। इतने महंगे कद्दू थे नहीं जितने के इनके बेच आया। मालिक भी देखता ना हैरान रह जाता। बस चलो, अब मेरे तो मजे ही मजे है ना। क्या बात है, 40 लाख सीधा कोर्ट में। ये तो कमाल हो गया, ये कम अज कम 80 लाख के हैं कद्दू, हमने 40 लाख में खरीद लिया। मजे हो गए हमारे, बड़ा फायदा होगा हमें इनसे इंशाल्लाह। जी मालिक साहब, कैसे आना हुआ? ये हमारे हैं कद्दू, सारे हमने खरीदे हैं। मालिक साहब दिमाग ठीक है आपका? क्या हो गया है? ये रकबा भी मेरा है और कद्दू भी मेरे हैं। आपके हैं? जी यार, वो तो हमने उससे लिए थे। कैसे? वो जो यहाँ पे खड़ा था काम कर रहा था, उसने कहा मैं मालिक हूँ इसका, हमने तो उसको 40 लाख रुपए दे दिए। 40 लाख? हाँ भाई, हमने पैसे उसको दे दिए हैं। अब ये फसल हमारी है। आप कौन हो? मैं इस रकबे का मालिक हूँ, ये कद्दू फसल सारी मेरी आई है। चो, चलो जाओ तुम। वो कौन था फिर? वो तो मेरा मजदूर था। तो हमारे पैसों का क्या होगा? आप जाने वो मजदूर जाना है। चलो निकलो यहाँ से, चलो 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 चलो। क्या होगा अब हमारे? चलो चलो चलो। 40 लाख।